हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। महादेव महादेव जी का एक स्टैचू है, हमें यहाँ पे फेस बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फेस बनाना है, तो फेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला काम लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स में गया ग्रिड पे, ग्रिड पे गए, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। अभी ये तो ये काम करने के लिए बस तरीका बताता हूँ, स्प्रेयर से बना सकता हूँ, जी स्प्रेयर से बना सकता हूँ, कैसे भी काम कर सकता हूँ। मैं अभी आज में नया टेक्निक बताता हूँ, जी स्प्रेयर से लेफ्ट क्लिक किया एंड टी प्रेस कर दिया, टी से एडिट मोड। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको स्केल किया, देखो स्केल करने से मैं इसे स्केल कर, हाँ ऐसे कर गया। देखिए लेफ्ट क्लिक करके बड़ा कर देता हूँ। अभी ये जीज पे लेने का एक बेनिफिट भी बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जीज पे लिया। ठीक है, तो फिलहाल मैं चलते हैं मूव पे। यहाँ से मैं इमेज चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसा मुझे चाहिए फ्रंट। ठीक है, ड्रॉप पे गया, एडिट यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपको मिलेगा इमेज, फ्रंट पे गए, क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद मुझे यहाँ से जो मेरे पास जो एड्रेस है जहाँ से मैंने इमेज सेव किया है वो मैं पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी देन एंटर। मैंने कहा चलो यहाँ पे शिव जी का फेस लिया। देखो शिव जी का फेस जो है मेरे पास यहाँ पे सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, सेंटर में ही है। यहाँ पे एक्स ऑन करो, एक्स पे देखो, देखो अब एक्स का पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, तो नाक यहाँ पे आनी चाहिए, जबकि मेरे यहाँ पे नाक इधर है। देखो ना, तो ये चीज़ मैं पहले मैनेज करूँ, मेरे इमेज सेंटर पर नहीं है। तो एक हॉरिजॉन्टल ऑफसेट आता है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट करो। पहले काम आपका ये काम आपका होना चाहिए, देखो यहाँ पे दो नो एक पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, देखो ना, अभी आप ऐसे क्रॉस चेक कर लो। ठीक, क्रॉस चेक करने से पता चला भाई ये ऑलमोस्ट ठीक है। ठीक है, ये काम कर दिया मैंने। यहाँ पे चूहे को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मैंने कहा चल भाई बस ये आगे यहाँ पे। ठीक है, मैं इसके चूहे को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास साइड फेस का मेरे पास इमेज नहीं है प्रॉपर, फिर भी चलो मेरे पास एक साइड की इमेज मैंने देखा यहाँ पे, यहाँ पर मैं लोग काम करें, देखो यहाँ पर साइड फेस यहाँ से भी काम कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं पहले बनाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। ड्रॉप पे करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मूव। ठीक है, मूव देखा यहाँ पे, यहाँ पर मैं मूव करता हूँ, मूव यहाँ पे करता। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। अभी ड्रॉप है, ड्रॉप पे करने जाने का मतलब देखो यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, मेरे पास नया पॉइंट स्टार्ट हो गया यहाँ पर, नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। मूव पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, अभी देखो मुझे अगर फेस बनाना है तो मैं साइड से बैठा हूँ, साइड से जाकर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे साइज कैसा है, ये देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास ये बेसिक से पैसा नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने बेसिक है यहाँ पर दिया। यहाँ पर सिर्फ सोच समझ के प्रेस करना, जब आपने ये यहाँ पर मूव रोटेटर स्किल को तब आप सिर्फ प्रेस करना। अगर आप ड्रॉ पे जाकर सिर्फ प्रेस करोगे किस तरह पर, यहाँ पर मैंने क्या देखा, तो ये अलग से कुछ नया निकल के आएगा, तो आपको ये ध्यान देना है। मूव पे करें, यहाँ पर सिर्फ प्रेस कर दें, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर फिर से ड्रॉप पे गए, मैंने देखो मैं बस एक्स ऑन कर रखा, एक्स में बस यहाँ पर है कि नहीं, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया और मूव पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया शिफ्ट। ये ध्यान रखना, मैं बड़ा सोच समझ के ही मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी जब मैं यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, बस यहाँ पे फेस यहाँ पे, ठीक है, मुझे नेक वाला पार्ट भी चाहिए, तो नेक वाले पार्ट के लिए मुझे एक चीज़ ऐड ऑन करना, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते एक पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, फ्लोर ऑन ऑफ, देखें यहाँ पे। अब ये जो फ्लोर ऑन ऑफ किया मैंने यहाँ पे स्केल किया, इसको पकड़ के स्केल कर देगा पे, लेफ्ट क्लिक करके आप अप एंड डाउन करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा देखा पे। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो स्विफ्ट। ठीक है, फ्लोर पे गए, अभी जो आपका हेड होता है, हेड का देखो ये हेड वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये नेक वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये शोल्डर वाला पार्ट नज़र आ रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे को हेड वाला पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको छोटा बड़ा कर दिया पे। ठीक है, इतना बेसिक करने के बाद ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से गया ड्रॉप पे, ड्रॉप पे जाने के बाद यहाँ पे चीज़ें कैसे देखा था, मैंने क्या कैसे सिफ्ट प्रेस करते हो तो आपको दिक्कत आएगी, जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ जाकर सिफ्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिक सेटअप मेरे पास यहाँ पर बन गया, जब मैं बोले आपके फिर से स्टार्ट करूँगा तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, अभी इन चीज़ों को मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे गया, तो मैं फ्लोर पे गया, अभी यहाँ पे चलता ड्रॉप पे गया। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है, टूल्स में गए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए प्रेस करने, ए प्रेस करने पे कैसा आ रहा है, ये मैस होता है, ए से आपका मैस होता है यहाँ पे, देख रहे हैं ये ए से कैसा मैस आ रहा है, अजीब सा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मूव पे गए, ये मेरा मूव है यहाँ पे, ये ऐसे कह रहे, ठीक है, फिर ए प्रेस किया, ए प्रेस कर देखो यहाँ पे चीज़ सही नहीं है, तो यहाँ पे मैं मूव करके देखा, यहाँ पे ए प्रेस कर रहा हूँ, सही आ रहा है कि नहीं, ये जो पार्ट है ना अंदर से कुछ चला गया यहाँ पे, देख रहे हैं जब भी डबल मैस हो जाता है, जब मैंने कहा सिर्फ प्रेस किया, सिर्फ प्रेस करने पर आपका कोई चीज़ अगर खराब हो जाए तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ मैनेज करना है, तो अगर मुझे ऐड करना है तो मैं ड्रॉप पे गया,
देखो यहाँ पे अभी समझना, प्लस करने के लिए सिंपल प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्रेस किया, मैंने क्लिक कर दिया पे, तो माइनस हो गया। देखो एक्स्ट्रा देखना यहाँ पे, ये देखो एक्स्ट्रा आ जाए तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो। अभी देखो आप ए प्रेस करके देखो, ए में सही आ रहा है, ठीक है। अभी आपने क्या किया, मूव एंड ड्रॉ, यहाँ पर मैंने सिंपल एक क्लिक कर दिया, देखो क्लिक किया तो सही आया। इसलिए गलती से सिर्फ प्रेस करते हो ध्यान देना, क्या, क्योंकि आपने जहाँ गलती की वहाँ पर दिक्कत आ गई आपको। अब यहाँ पर देखना, ये पार्ट आपको यहाँ पर आएगा, हेड वाला पार्ट आपका यहाँ पर आने वाला है। आइडिया मतलब दो साइड में गए, यहाँ से मैंने क्या किया, स्केल किया और इसको मैंने पतला कर देना, नेक वाला पार्ट पतला होना चाहिए, ठीक है। ए प्रेस करके देखो यहाँ पे हो गया, ये देख बेसिक शेप आपका यहाँ पे बन गया, जिसे आप मैनेज कर सकते हो। तो पहला लेवल आपके यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा आपका, यहाँ पे ड्रॉ पे गए, ठीक है। अभी मैंने ए प्रेस कर दिया, जब ए प्रेस करूँ तो शायद एक चीज़ और भी काम करते हैं, मेक पॉलिश 3D भी कर लेते हैं। मेक पॉलिश 3D करने से यहाँ पे वापस आप ए प्रेस करोगे तो आपको वापस आएगा नहीं वो, ठीक है। अभी मैं मैनेज कर लेते हैं, पे फ्लोर पे गए, फ्लोर पे जैसे ऑन कर दिया मैंने, यहाँ पे बेसिक शेप को सेट करना स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने अपने बेसिक UI मैंने लिया, मूव पे गए यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मेक ब्रेकर से अभी पहले मूव का कमांड सेट करना, मूव का कमांड किया, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते हैं यहाँ पर बेस मटेरियल यहाँ पर कर दिया, ठीक है। मैंने सेट मैनेज करता हूँ, यहाँ पे देखा ये मैं फेस यहाँ पे देखा, ये पार्ट वर्क यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे दोसा शेप्स को यहाँ पे मैं मैनेज कर देता हूँ, ये मैनेज मैंने ऐसे पतला कर दिया, मैं बस शेप पेपर जो है। अब मुझे बेसिक एनाटॉमी पता रहना चाहिए, मैं बेसिक एनाटॉमी का मुझे नॉलेज है कि नहीं। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे स्विफ्ट एफ यहाँ पे मैथ्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देखना यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या करते हैं, इसको मैंने बहुत बेसिक से चीज़ों को मैं मैनेज कर देता, इसके अंदर ज्योमेट्री होती है। जब मैंने मेक पॉलिमर्स किया तो मेक पॉलिमर्स में यहाँ पे जो डायनामिक्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं, डायनामिक्स है, जेडीमेसर है, जेडीमेसर तो हाफ कर लो, कम कर लो, ठीक है। इसी को कम करने के लिए हम लोग उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है, इससे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल में हम लोग मेक पॉलिमर्स कन्वर्ट कर चुके हैं, तो वहाँ पे जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने जेडीमेसर से मैंने कम कर लिया, जितने भी कम सेगमेंट के साथ अगर आप काम कर सको उतना ज़्यादा बेटर होता है, क्या। चिन ऐसा निकलेगा, ये नेक वाला पार्ट आपका यहाँ पे जाने वाला है, आपका हेड वाला पार्ट आपका यहाँ बिग ब्रेकर साइज का, मैंने ये पार्ट आपका यहाँ से आने वाला है। अभी आपको लगता है ये चीज में अगर आप कवर अप नहीं कर पा रहे तो जो ड्रॉप में गए ना साइड वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लो, ड्रॉ कर दे। जब साइड पार्ट आपको नहीं मिले तो साइड पार्ट आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट राइट देखो पे हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, वर्टिकल ऑफसेट है। देखो ये ऑफसेट कर यहाँ पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्केलिंग है, स्केलिंग किया। अभी मैं यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे पहले फ्रंट से मैनेज करूँ, फ्रंट से यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया, मैं इस पार्ट यहाँ पे देखा, यहाँ से मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। अभी फ्रंट से मैनेज करना मैं पे देखा, मैं बस देखो यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और ओरिजिनल ऑफ सी मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं चिन का ले लेता हूँ, फिलहाल में मैंने सोचा मेरे पास इतना छोटा है तो मैंने इतना पार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। फ्लैट में जा रहा है इतना मैंने फोरहेड वाला पार्ट ले लिया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, अब यहाँ पे जब मैं काम करा तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर देते हैं, थोड़ा सा बेसिक शेप दे देते हैं। देखो बेसिक शेप दे दो आप यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा सा आप यहाँ पर एडजस्ट कर दो, आप यहाँ पे फ्रंट से बढ़िया लगेगा और साइड से भी बढ़िया लगेगा। जब आपको ये आइडिया मिलेगा मेरे पास ये शेप में बस यहाँ से और ये शेप में बस यहाँ से, ठीक है। फ्लोर पे गए, देन मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक शेप का यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे देखिएगा आपका, ठीक है। ये आपको बेसिक अनाटॉमी के साथ अगर आप काम करते तो आपके पास चीज़ें तो आप बेटर देखेंगे आपके यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ देखते हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये शेप्स आप यहाँ पे दोगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं करता हूँ, मुझे सबसे पहले जो काम करना है, सबसे पहला काम देखो, अभी एक तो इमेज मेरे पास यहाँ पर आता है, मैंने दूसरी इमेज को मैं ऐसा ओपन करने का मैंने ऑप्शन देखा यहाँ पे, बस ऑप्शन में यहाँ पे क्या काम करना है, राइट क्लिक है, यहाँ से मैंने लिया, ठीक है। इमेज करें यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे तो साइड में इसे भी देखते रहते हैं, यहाँ पे इमेज को भी यहाँ पे देखते रहते हैं, यहाँ पे फेस मैंने लिया यहाँ पे, देखो जूम कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों को मैनेज करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग नाक निकालेंगे, तो नाक निकालने के लिए पहले क्या है, स्टैंडर्ड पे गए और मैंने यहाँ पे क्या किया, बिग बेट्रॉस ऐसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्लोर देखना आप यहाँ पे,
देखो ये देखना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ से मैं जो मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे कहाँ तक है देखना। ये काम मैंने किया और ये बेसिक शेप मैंने यहाँ पे कर दिया। बेसिक शेप आपको यहाँ पे आना चाहिए भाई, बेसिक शेप में यहाँ पे कितना मैं मैनेज करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ें यहाँ से जब मैं फ्लो में आता हूँ तो फ्लो में क्या देख रहा मेरे पास यहाँ पे कि देखो मैं यहाँ पे देख रहा तो मैं मूव पे किया और मूव पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया ये देखो, ये फोरहेड वाला पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, नोज वाला पार्ट आप यहाँ से खींच के कर सकते हो आप यहाँ पे, और ये आइस वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ पे ठीक है। इसका चिन वाला पार्ट है, चिन वाला पार्ट को आप यहाँ पे खींच के रखो ताकि आपको आइडिया मिले चिन एंड लिप्स वाला पार्ट। ये बेसिक शेप आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ जॉ लाइन भी होता है, जॉ लाइन क्या होता है ये जॉ लाइन यहाँ पे, ये जॉ लाइन देखना है ये जॉ लाइन आपका यहाँ पे ठीक है ये देखना है। अब यहाँ पे मैं जब चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ याद पे मैंने जो चीज़ को मैनेज किया मेरे पास यहाँ पे क्या है ठीक है। मैं वह फ्लोरिंग में जैसे यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मैं सब चीज़ क्या है किस तरह से मैं काम कर रहा हूँ तो क्ले बिल्डर पे गए यहाँ से बेसिक स्कल वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। स्कल का बेसिक शेप क्या बनने वाला है वन पे करो ठीक है। ये देखना बस ये फ्रंटल वाला पार्ट आपको यहाँ पे आएगा ठीक है। बेसिक शेप जो आपके यहाँ पे पार्ट देखते हैं आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे पीछे से अगर हम बात करते हैं देखो पीछे वाला पार्ट आपका ब्रॉड होता है ये शेप होता है, ये पीछे वाला पार्ट आपका ब्रॉड होता है तो कुछ चीज़ को थोड़ा मैनेज करके लेके चलना है। मेरे सभी चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ से देखो आप ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने यहाँ पे ये चिक्स बोन आपके पास यहाँ पे जाएगा। ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे ठीक है। यहाँ से चीज़ों को मैं बैलेंस करूँगा यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे ठीक है। स्विफ्ट आइस मोड 100% को कर दो कम। यहाँ से मैंने फोरहेड वाला पार्ट किया, अभी देखो फोरहेड वाला पार्ट को यहाँ से मैं मैनेज कर लूँगा। देखो जो इस काइंड ऑफ नोज वाला पार्ट है, नोज वाला पार्ट को आप यहाँ पे बेसिक बेसिक अभी हम लोग डिटेलिंग पर नहीं जा रहे हैं, जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ों पर काम कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है। यहाँ से आई का दफ यहाँ पे यानी आपके यहाँ पर सेफ नज़र आएगा, बेसिक सेफ आपके यहाँ पे देखेगा आपके यहाँ पर। फिर यहाँ से अगर मैं देखता हूँ मेरे पास जो साइड वाला पार्ट होता है, देखो साइड वाला पार्ट में अगर देखो साइड वाला पार्ट ये थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर योग मुद्रा में है तो ये नीचे हल्का सा दिखा रहेगा यहाँ पर। देखो ये सेफ देखा मैं यहाँ से जो सेफ आते हैं यहाँ पर ये आपको सेफ आपको इधर से आएंगे। ये हमारे पास होती है जॉ लाइन, इसे बोलते हैं जॉ लाइन ठीक है। ये जॉ लाइन मेरे पास यहाँ पर देखेगा यहाँ पर तो यहाँ पर मैं चीज़ों को दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पर बेसिक एक सेफ यहाँ पर दिख रहा होगा कि मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ ठीक है। अगर मैं चीज़ों का अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूँ मेरे पास यहाँ पे तो चीज़ों का फोटो कर सकते हैं। देखो बेसिक बेसिक आपका लुक एंड फील आना स्टार्ट हो रहा। अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा चीज़ों को मैच करने में। देखो मैंने जो साइड से मैच किया मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो मैंने साइड से कवर अप कर दिया लेकिन साइड इमेज मेरे पास एग्जैक्ट तो नहीं है, है ना। यहाँ पर मैं यहीं साइड को फॉलो करूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट वाला प्रोसेस तो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मुझे भी क्या लग रहा है कि भाई मेरे जो साइड वाला पार्ट है मुझे थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने मूव लिया और मैंने ऐसे क्या कर दिया, देखो ये जो शेप है ना ये आपका पार्ट यहाँ पर आ रहा है यहाँ तक जो आपका शेप आ रहा है यहाँ पे ठीक है। ये जो शेप आपको यहाँ तक आ रहा है, यहाँ शेप आपको यहाँ तक आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर मैं कहूँ मेरे पास जो चिन वाला पार्ट यहाँ तक आ रहा है, अभी चिन वाले पार्ट के लिए मुझे पता चलता मुझे स्केल में और भी छोटा करना पड़ेगा ये लाइक दिस यहाँ तक। आइडिया मिल रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं स्केल कर रहा हूँ तो वैसे यहाँ पर चीज़ें और भी बेटर दिखेंगी अगर यहाँ तक मैं चिन आ रहा है तो ठीक है। तो स्केलिंग से मुझे आइडिया मिल रहा है क्योंकि मेरे पास जो शेप है देखो तो फ्रंट और साइड से मैच करना पड़ेगा तो मैं अपने दोस्तों चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर चीज़ों का मैं मैनेज नहीं करूँ तो वो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा यहाँ पर ठीक है। ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पर दिया मैं कहूँ एग्जैक्ट नहीं आने वाला लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा देखो यहाँ पर अगर मैं इसके साथ मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे लिटिल बिट इतना मैंने किया ठीक है, इतना मैं कर रहा हूँ इतना करने का हॉरिजॉन्टल ऑफसेट ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके मैनेज कर लेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्रेस कर दिया यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कमांड आपको करना है मूव पे, मूव पे देखो मूव कैसे जा रहा है, मूव यहाँ पे जा रहा है ठीक है। नोज आपको वैसे यहाँ पे जा रहा है ठीक है। यहाँ पे देख रहे इसके बाद आपका लिप्स वाला पार्ट आपको यहाँ पे निकलेगा। जब लिप्स वाले पार्ट के लिए हम लोग चीज़ों को मैनेज करेंगे तो मैनेज करने में कैसे क्या काम कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पर मैंने सेप दिया, यहाँ पे सेप्स को थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे तो ये पार्ट यहाँ से दिख रहा था ठीक है। यहाँ देख रहा अब ये देखो ये मैंने पार्ट यहाँ पे दिया तो मैं आइस वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, आइस वाला पार्ट में यहाँ पर आ रहा है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे देख रहे ये आइस वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है तो मुझे आइस वाला पार्ट के लिए यहाँ पर मुझे मैनेज करना है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं लैंडमार्क पकड़ता हूँ, लैंडमार्क जैसे मेरे पास लिप्स हैं तो लिप्स वाले पार्ट को मैंने पकड़ लिया। देखो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए, फ्लोर मैंने कर दिया देखो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पर आ रहा है जिसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दे रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है तो आइज़ हो गया,
नोज हो गया, लिप्स हो गया, ये मेरे पास लैंडमार्क वाली चीज़ें हैं। नोज ऊपर से पतला होगा, यहाँ से थोड़ा ब्रॉड होगा यहाँ पर, ठीक है। सेफ ड्राइव कम सेगमेंट है, कंट्रोल डी कर दो, डिवीजन दे दो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। अभी ये पार्ट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक मुझे देखेंगे, यहाँ पर फ्लोरिंग में गए, ये पार्ट मैंने यहाँ तक देखा, ठीक है। अभी मैं अगर आइस की बात देखा तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आइस को मैंने कर दिया मास्क, ठीक है। ये देखो आइस को मैं कर दिया, देखो यहाँ पे बस आइस वाला पार्ट है। आइस को यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, आइस को मैं अलग से मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नोज वाले पार्ट को देखा, नोज वाला पार्ट कैसे देखा आपका, सिंपल ये शेप आपका यहाँ से यहाँ तक। पहला काम नोज को फ्लैट कर लो, यहाँ पे देखना आप कंट्रोल डी कर दो आप, यहाँ पे नोज आपने कर दिया, यहाँ पे क्ले बिल्डर पे कर, ये देखो नेगेटिव स्कल्प करो आप यहाँ पे। पहला काम आप यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। नोज के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये देखो नोज के लिए यहाँ पे मैंने जस्ट स्कल्पिंग कर दिया पे, ठीक है। नोज वाला पार्ट है, नोज के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो शेप्स है ना आप यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ऐसे घुमा देना आप, ये जो पार्ट आपका यहाँ पे घूम के जाएगा ना यहाँ से, तो आपका नोज वाला पार्ट बहुत बढ़िया निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप शेप दो, देन आपका सब चाहिए बेटर दिखेंगे आपके यहाँ पे। तो देन यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो देखना यहाँ पर नोज वाला पार्ट आपका यहाँ पे देखने वाला है। नोज यहाँ से पॉइंटेड है, पॉइंटेड कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बहुत ही पॉइंटेड नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने पॉइंटेड ही कर दिया यहाँ पे, देखना यहाँ पे। तो ये जो शेप में आप नेगेटिव स्कल्प करो यहाँ पे बेसिक चीज़ों को मैनेज करने के लिए करो, तो बस स्विफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक डिजाइन और देना पड़ेगा, तो मैं एक डिजाइन और भी दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। नोज देखो ये तो ऊपर गया, नीचे गया, तो मैंने यहाँ पे क्या मूव किया, मैंने यहाँ पे कहा भाई तो ऐसा ऊपर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये तो ऐसा ऊपर कर दे, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए प्ले बिल्डर पे गए, साइज लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखना अभी ये काइंड ऑफ, तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करते हैं, मेरे सेफ्स यहाँ पे भी देखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे होल्स हैं, यहाँ पे मैंने एक और डिवीजन दिया कंट्रोल डी, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने जब चीज़ों को मैनेज किया, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों को और तो अच्छे से एडजस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से मैंने क्या किया, छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसमें से भी बना सकता हूँ, देखो फ्लोरिंग है, लेकिन इसमें से बनाने में देखो यहाँ पे देखा ये, अगर मैंने यहाँ पे काम किया, मैं यहाँ पर मास्क करता हूँ, देखो ठीक है। ये बात देख रहे हैं, अभी ये मैंने मास्क कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, जैसे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक किया, तो मैं पे इज इट पॉसिबल मैं पे तो था स्कल्प कर सकता यहाँ पे, इसके साथ मैंने यहाँ पे स्कल्प कर दिया यहाँ पे मैनेज कर सकता, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ मेरे पास यहाँ पे देखिए, लेकिन जब मैं इस चीज़ को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे चाहिए बैलेंस कैसे हो, जब तक मुझे एक आई का बेसिक सेटअप नहीं पता चलेगा, आँखें बंद हैं ऐसा दिखाया हुआ है ना, लेकिन कनेक्टिविटी तो उसके साथ पहुँच ही नहीं रही। कंट्रोल क्लिक करते हैं देखिए, देखा ये काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ पे दो सा दिया, जब तक मैं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं दूंगा यहाँ पर तो बस ये आके देखिएगा कैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक जो मेरे पास पार्ट होता है, इस बेसिक पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मैंने पार्ट यहाँ से ये दे ना आप यहाँ पर चीक बोन का पार्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। चीक बोन किसे बोलते हैं, ये चीक बोन यहाँ पर, तो पहले मैं बेसिक सेटअप यहाँ पर बनाता हूँ, तोड़ पे गया देखना भाई ये काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ पर बेसिक चीक बोन यहाँ वाला पार्ट का मैंने यहाँ पर कवर अप कर दिया। तो जब तक मेरे पास ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा नहीं, देखना भाई ये चीक बोन वाला पार्ट है, ये चीक बोन वाला पार्ट है, मैं यहाँ पर मैं मैनेज करूँगा यहाँ पर। मैंने तो सारी चीज़ों को एक बार रफली एक बार यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, देखो ठीक है ये मैंने, ठीक है ना। अभी ये जो पार्ट है मैं यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, वैसे धीमे धीमे चीज़ों को मैं कवर अप करता जाऊँगा यहाँ पे, तो वैसे सेफ भी मुझे यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा था, ठीक है। इसका देख चीज़ और भी है, जैसे आप यहाँ पर स्टैंडर्ड में गए, यहाँ पर आपने फोकल शिफ्ट किया, ड्रॉ साइज किया अपने यहाँ पर, आप निगेटिव स्कल भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर इंडिकेटिव स्कल आपने कर दिया यहाँ पर, तो ये शेप आप यहाँ पर देखेगा आपका। फिर आप यहाँ पे गए स्विफ्ट, मैंने यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर दो आप यहाँ पर, जब यहाँ पर मैं मैनेज करूँ तो स्विफ्ट प्रेस करके मैं इसका नंबर में बढ़ा दूँगा 100% कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे भी काम कर देखो, अब धीमे धीमे चीज़ों को मैनेज करना क्या, देखो यहाँ पे चीक बोन है, चीक बोन का मैं यहाँ पर मैनेज कर दूँ, तो यहाँ पर चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस कर दूँगा यहाँ पर। तो ये कोई एक तरीका यह है कि मैंने यहाँ पर चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। डिस्ट लग कर दो यहाँ पे,
तो आपके पास धीमे धीमे चीज़ आपको यहाँ पे देखिए भाई मेरे पास शेप्स कितना है। अभी मैंने ये आईब्रो ऊपर कर रखा है, मैंने फ्लोर पे गया, मुझे क्या आईब्रो को मैच करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे गया और मैंने ये देखो ये शेप मेरे पास इधर इधर और मैंने शेप्स को मैंने यहाँ तक रख दिया मैंने, ठीक है देखा यहाँ पे। अब ये जो शेप्स है मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड में किया और मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने शेप जो देखा यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा इसको मैनेज करता हूँ कम करके यहाँ पे, ठीक है आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे गए फ्लोर पे गए ये देखा अभी ये काइंड ऑफ, ठीक है ये जो आईब्रो वाला पार्ट है उसके साथ में मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने और बढ़ा दिया यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ फ्री अगर लगे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्ले बिल्डअप से यहाँ पे मुझे कुछ काम करना था जो का अगर एड ऑन करने लगे देखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से इतना लिया तो मैं सिर्फ 48 वाला पार्ट है। तो ये जो शेप्स मेरे पास जो निकल जाते हैं ना आप ये काइंड ऑफ यहाँ से दिया मैंने यहाँ पे, इसके बाद मेरे जो शेप्स आपको देखते हैं वो ऐसे देखना पे फ्लोरिंग में गए यहाँ से चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैनेज करो फोकस शिफ्ट, ठीक है यहाँ पर मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ ये शेप में यहाँ पर मिलेगा, ठीक है मैं यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे तो मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे देखा यहाँ पे। अब यहाँ से जो मैंने काम किया है फिलहाल मैंने जैसे मास्क कर रखा है यहाँ पे, मैंने मास्किंग कर रखा है यहाँ पे, इसके बाद मैं थोड़ा सा चीज़ों को इधर से भी मैं ऐड ऑन करूँगा देखा पे स्टैंडर्ड में गया और यहाँ पर मैं शेप्स को ऐसे करके भी मैंने निकाला मेरे पास शेप देखा यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा तो मेरे पास चीज़ें फुलफिल होंगे भी, ठीक है ये देखा ये काइंड ऑफ, ठीक है धीमे धीरे चीज़ों को मैनेज करना है मेरे पास ये चीज़ आएंगे मैं पे थोड़ा सा चीज़ों को फर्जी कर सकता हूँ, ठीक है ये काइंड ऑफ मैं धीमे धीमे इन चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा पे। अभी ब्लॉकिंग ही कर रहा हूँ, ब्लॉकिंग करने में मेरे पास यहाँ पे क्या है जैसे देखा यहाँ पे अभी आकर यहाँ पे मैं करता हूँ 48 के लिए, तो 48 के लिए देखो यहाँ पे जो पार्ट होते हैं ये थोड़ा आपका पतला होता है यहाँ पे, ठीक है ये देखा ये आपका जो यहाँ से शेप आते हैं आप ये देखो ये काइंड ऑफ जो बेसिक से स्ट्रक्चर होते हैं पे ये फ्रंटल वाला पार्ट होता है इसे फ्रंटल बोलते हैं, बेसिक आप एनाटॉमी को आप स्टडी करते हो तो यहाँ पे ये चीज़ आप ऐसे चीज़ों को मैनेज करोगे ये फ्रंटल पार्ट इतना पार्ट आपका निकला होता है यहाँ पे धीमे धीमे चीज़ों का तो था आपका वहाँ पर फायदा मिलेगा। अब ये बेसिक बेसिक चीज़ों का आप यहाँ पे कवर अप करता है फायदा मिल जाएगा तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है किस तरह से मैं मैनेज करता हूँ ठीक है। अब ये काइंड ऑफ स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है तो अभी धीमे धीमे चीज़ों को हमें कवर अप कर देना है भाई मेरे पास अभी शेप्स क्या जा रहा है, ठीक है साइड में मेरे पास शेप्स बन वाला पार्ट कैसा है ये शेप मैंने यहाँ पर दिया साइज को छोटा करके, ठीक है अभी चीज़ों को मुझे मैनेज करते हुए दिखाना है। मेरे पास यहाँ पर जो शेप दिखा अभी ये जायगोमेटिक बोन होता है आपके यहाँ पे इसे जायगोमेटिक बोन बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ ठीक है दिखा पे ये काइंड ऑफ मैं इसे थोड़ा सा वेल मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है अब ये जो पार्ट मैं कर रहा हूँ इसके बाद मेरे पास चीज़ आती है कि भाई मेरे पास अब जो शेप दिया मैंने यहाँ पे इसके अगर चीज़ों को समझता हूँ मेरे पास यहाँ पर शेप कैसे हैं तो इस टाइप से शेप मेरे पास यहाँ पे दिख रही होती है, ठीक है यहाँ देखो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर नज़र आ रही है ये तो भाई ये काइंड ऑफ यहाँ से, ठीक है यहाँ पर हम लोग गए यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ये देखो बेसिक शेप यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे बेसिक शेप आपके यहाँ पे गया इसके बाद आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है फ्लोर पे गए देखो यहाँ पे देखना पे धीरे धीरे इनको थोड़ा सा कवर अप करना स्टार्ट करके मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स है इन शेप्स को मैं कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ से मैं ड्रॉ पे जाता हूँ ना ड्रॉ में एक ऑप्शन और भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे देखो एनहेंस ऑपेसिटी, एनहेंस ऑपेसिटी से आप यहाँ पे चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं देखो कितना मैनेज कर रहे हैं आप यहाँ पे तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे एक बेसिक का शेप मैंने दिखाया तो मैंने यहाँ पे क्या किया जैसे मैंने डैम स्टैंड पे गया तो मैंने यहाँ से देखो ये शेप दिखा यहाँ से ये शेप्स को मैंने इधर से इधर कवर किया था, ठीक है इसके बाद आपका ये जो शेप्स है यहाँ पे ये शेप्स आपका यहाँ से ऐसे आया, ठीक है अभी ये शेप्स को अगर मैं फ्लोर में ऑफ करता देखो ये शेप आपका यहाँ पे दिखा ये बेसिक शेप आपका यहाँ पे विजुअल है, ठीक है ये शेप्स को आप यहाँ पे देखो यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज करता हूँ इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया। अभी जो मेरे पास आई का जो सॉकेट होता है जैसे आई है आँखें बंद है तो आई बॉल भी इसको ऊपर से दिख रही होती है
पलकी के अंदर से। तो आई बॉल का बेसिक शेप दे दो आप यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो ये बेसिक शेप आपके पास यहाँ पे और बेटर दिखेगा अपने पर। तो ये बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिखाना होता है, ठीक है। लेकिन आप ये काइंड ऑफ फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो अगर मैं पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट, इतना बार मैंने लिया यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड में गए और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको और बहुत फोकस शिफ्ट पॉइंटेड, ये देखो स्टैंड बढ़ा यहाँ पे, देखो ये देखना ये काइंड ऑफ आप यहाँ से भी आप ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये शिफ्ट ने स्मूथ कर दिया यहाँ पे, यहाँ से गए, यहाँ से भी मैंने यहाँ पे तो ओवर आई का पार्ट दिया था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज करके दिखाओगे और थोड़ा सा बेटर दिखेगा अपने पे, ठीक है। इसके साथ देखो यहाँ पे कुछ आपके सामने कनेक्टेड भी हैं, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ देखो यहाँ पर ये जो कनेक्टेड वाले पार्ट हैं इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट देखो यहाँ पे, देखो ये जो पार्ट आपको यहाँ से जो आ रहा है ना पे, ये थोड़ा सा ब्लेंड में जाना है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे क्या यहाँ से आपने लिया, तो देन शिफ्ट एंड स्मूथ कंट्रोल एंड शिफ्ट, ठीक है। इसके तक हम लोग गए यहाँ पे, अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे फ्लोर पे गए, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे फ्लोर पे जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है लिप्स वाले पार्ट को पकड़ते, तो लिप्स वाले पार्ट को अगर पकड़े हैं तो बस यहाँ पे कैसे दिख रहा है लिप्स का पार्ट आपके यहाँ पे गया सिंपल डी फॉर डैम, डैम में गए, डैम में देखो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर जो शेप्स हैं यहाँ पे शेप्स को देखो, बेसिक से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं शेप्स को यहाँ पे लूँ तो मैं यहाँ पे बेसिक लेवल को यहाँ पे ट्रेस करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने जब चीज़ों को लिया तो बस यहाँ पे फ्लोइंग देखो, बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन इसके शेप्स को बेसिक आपको कैसे पकड़ोगे देखो यहाँ पे। बेसिक शेप्स को पकड़ने के लिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप चीज़ों को मैनेज करो तो आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो एक तो पहले पार्ट लिप्स नीचे वाले पार्ट को मास्क कर दो, ठीक है। ऊपर ऊपर वाले पार्ट में जब मैं लिप्स में काम करो तो बस यहाँ पे क्ले बिल्डअप में यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ये अपर पार्ट में होता है देखो, ठीक है। आप ये काइंड ऑफ मैं ऐसे करके ड्रॉ करने वाला हूँ, बस बेसिक एक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ता है। शिफ्ट एंड स्मूथ देखो यहाँ पे दिखाया यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर मैं गया फ्लोर पे गया, फ्लोर में इतना पार्ट आपका आगे आना है, तो इतने पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना होता है, जो मैं कनेक्टिविटी देता हूँ यहाँ पे, वो यहाँ पे ऐसे करके मतलब स्कल्पिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्कल्प्ट किया यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे चीज़ों को ऐसे करके यहाँ पर मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, तो बस ये बेसिक वाले एरिया पर आपका आगे बढ़ रहा होता है यहाँ पे। तो आपको वे ऑफ स्कल्ट में अगर आपको आ रहा है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये काइंड ऑफ आप ये मेथड है जिस तरह से आप चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। शिफ्ट 100% है तो मैंने काम कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ये पार्ट में बस ऐसे जाएगा, देन ये पार्ट में बस ऐसे जाने वाला है। तो ऐसे करके अगर आप स्कल्पिंग कर रहे हो तो आपको चीज़ें बहुत बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैंने शिफ्ट ने स्मूथ कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखें ये काइंड ऑफ शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिक शेप आपके पास यहाँ पे आएगा, भाई मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो कंट्रोल एंड क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये मैं उससे इन्वर्स, तो यहाँ पे मैं जब शेप्स को मैं निकालता हूँ तो मैं उस ऐसे पे मैं उस यहाँ पे देख रहा है शिफ्ट एंड स्मूथ यहाँ पे। अब ये दोनों शेप्स को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, फ्लोर पे गए ये देखो। अभी यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो मैंने मूव लिया, मूव ब्रश से मैंने यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, देन ये पार्ट में ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे, गॉट इट। यहाँ पर जब शेप में जाता हूँ तो मैं शेप्स को यहाँ पर मुझे मैनेज करके देना, देखो यहाँ पर डिवीजन कम है यहाँ पे, तो ऐसे ध्यान देखो तो लाइनें बन गई, इसका मतलब डिवीजन कम है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शेप्स को यहाँ से यहाँ तक मैनेज करके देना पड़ेगा, देखो ठीक है। डी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, ये थोड़ा सा बेसिक सेटअप मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर मुझे क्या देख रहा है, जब यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों का थोड़ा सा मैनेज करना है, नोज़ है, नोज थोड़ा सा मोटा हो गया था, मोड नोज को थोड़ा सा पतला कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लोर पे गया, फ्लोर पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डी फोर डैम, पहले बेसिक शेप आ जाएगा ना उसके बाद मैं यहाँ पे काम करूँगा डी फोर डैम। देखो बेसिक शेप यहाँ पे, देखो बेसिक शेप यहाँ, देखो ये काइंड ऑफ और देन ये शेप मैंने यहाँ तक दिया यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप शेप को देखो ये आपको यहाँ से ये पार्ट बहुत ही कम में जा रहे हैं, देखो ये जो इतना जो बस एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं यहाँ पे आराम से निगेटिव स्केच से निगेटिव स्कल्पिंग से मैं काम कर सकते हैं, ठीक है ना भाई।
ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने कोई भी चीज को आपने मैनेज करो, क्या फादर प्लस यहाँ पे क्रिस्टल फिश को मैनेज कर रहे हो, स्कल्पिंग कर रहे हैं, एड और लेस दोनों ही प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। आपके यहाँ देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या कर कंट्रोल डी, एक और डिजाइन मैंने बढ़ा दिया, डिजाइन बढ़ाते हुए स्मूथ हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो क्या है डैम, देखो यहाँ पे इन चीज़ों को मुझे यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या देखो, ये शेप मेरे पास यहाँ से ऐसे, देन यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरे शेप थोड़ा सा यहाँ पे और बेटर और ब्यूटीफुल दिखेगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरे यहाँ पे शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये शेप मैंने यहाँ से इधर तक का मैंने शेप मैंने दिया यहाँ पे। ये शेप जो जा रहा होता है ना, ये शेप आपके ऐसे आ रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर शेप्स को मैं मैनेज करता हूँ, क्लियर बिल्डर पे मैंने यहाँ पे दोस्तों मैनेज करते हैं, मुझे यहाँ पे सेफ तो चाहिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ के मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ से सेफ दिया, तो ये सेफ में बस यहाँ से इधर ऐसे करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। अब ये थोड़ा सा मुझे चीज़ों को मैनेज करना, तो मैं मैनेज करके दूँगा यहाँ पे। अभी ये जो सेफ्स होते हैं ना, सेफ्स में यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सी पार्ट वैसे बाहर निकला होता है, यहाँ से सेफ मैंने यहाँ पे लिया हल्का हल्का साइड से, मैं ऊपर में थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये तो सब चीज़ों को ऐड ऑन करो, यहाँ पे सेप्स बहुत बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए दिखाओगे। जैसे स्टैंडर्ड पे गया, स्टैंडर्ड पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैं स्लिप्स वाला पार्ट है ये फोकल शिफ्ट यहाँ पे कर दिया, देन मैंने यहाँ पे देखो ये सेफ मेरे पास यहाँ से ऐसे दिखा होता है। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा। ब्लेंडिंग वाला पार्ट आपके पास बहुत बेटर देखेगा आपके यहाँ पे, फोकस करो देखा आपके पास चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। मैं चीज़ों को मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं मैनेज करके दिखा, धीमे धीमे चीज़ को पॉइंटेड करके मैनेज करोगे तो धीमे धीमे आपका शेप्स तो कुछ बेटर देखना स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, चीज़ों को मैनेज करना है, धीमे धीमे इसको थोड़ा सा बैलेंस करो, ठीक है। ये शेप्स को आप यहाँ पे देखोगे, आपका साइड में मिलेगा, आप चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप करोगे, तो यहाँ पे देखा शेप्स कैसे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मूव किया, मैंने हल्का सा ये थोड़ा सा शेप्स अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। धीमे धीमे चीज़ों को आपको फोकस करना है, आप धीमे धीमे फोकस आप करोगे तो देन आपके पास यहाँ पर चीज़ें देखेंगे भाई मुझे कैसे क्या काम करना है और चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो ये काइंड ऑफ ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँगा, थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, मेरे पास यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा बेटर वे में दिखेगा, क्या तो हम चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मेरे पे चाहिए थोड़ा सा और बेटर दिखेगा। देन यहाँ से देखो ये जो कनेक्टिव यहाँ पे चीज़ें बहुत सी हैं जिसको मैं यहाँ पे देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ यहाँ पे कर दिया, देन यहाँ से चिन का पार्ट है, चिन वाला पार्ट को अपने आप थोड़ा सा मैनेज करना, जब तक ये चीज़ें करेंगे तब तक आपका ऊपर वाला पार्ट बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा मैनेज करके देना पड़ेगा। देखो देख रहे ये जो काइंड ऑफ दिखा पे, ठीक है, तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को फुलफिल करना तो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है।